जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूं। फिलहाल अभी हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी पिछले की वीडियो में आप सभी ने बातें सुनी, वो सारी प्रॉब्लम हमारी अभी सॉल्व हो रही है। धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारी हो गई है, तो अभी हमें टेंशन नहीं है। जो भी था रिपोर्ट वगैरह करवाना था, जो इनकी आईडी वगैरह थी, वो सारी इन्होंने लॉक करवा दी है, और इनका जो सिम वगैरह था वो भी इन्होंने निकलवा लिया है, लॉक करवा के उस दिन, और फिर बाद में इन्होंने निकलवा लिया है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये लेके आए हैं जलेबियाँ गर्मा गर्म, कहीं गए हुए थे तो वहाँ से वापस आते समय, क्योंकि अभी इनकी भागा दौड़ी जो है वो चल रही है, और दोपहर के समय में लेके आए थे ये जलेबियाँ। कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई काम अभी इनका चल ही रहा है, तो धूप तो इतनी ज़्यादा हो ही रही है, तो अब क्या कर सकते हैं, काम है तो जाना ही पड़ेगा। और सब लोग यहाँ पे बैठ के हम लोग खा रहे हैं। इसके पापा ये चीनी वाली जलेबी लेके आए थे, गुड़ वाली होती है ना, वो गुड़ वाली मेरी माही को और मानसी को नहीं पसंद आती है, तो ये लोग बोलेंगे पापा चीनी वाली लेके आइएगा, ये काली वाली नहीं लेके आइएगा, तो इसलिए ये इसे लेके आए हैं। कभी कभी हमारे यहाँ मार्केट में जो पास में मार्केट है ना, यहाँ पे सब्जी वगैरह सब लगती है, तो यहाँ पे ना यही वाली मिलती है ज़्यादातर, गुड़ वाली। तो ये शहर तरफ गए थे कहीं, तो उधर से लेके आए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, दोपहर का समय है, 1 बजे हुए हैं दोपहर के, और इन तीनों बहनों को आइसक्रीम खाना है। मतलब जब कहीं आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनाई देती है तो बस दौड़ के इन्हें जाना है और लेना है, तीनों को, एक को नहीं तीनों को चाहिए। तो तीनों जैसे ही कान में भनक जाती है बस शुरू हो जाती हैं, जब तीनों खाएंगी तो फिर बाबू को भी चाहिए, वो भी देख के रोने लगता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें सारी उसे भी चाहिए, वो भी अभी सब कुछ देख के रोने लगे। ये देखिए ये क्या है ना, इसका जो बर्फ़ वाली आइसक्रीम होती है ना, वो ये नहीं खाता है, इसे चाहिए ये वाली आइसक्रीम कटोरी वाली, तो इसलिए इसके लिए मैंने ये वाली मंगवा रखी है। और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैं चलने वाली हूँ मार्केट, बच्चों को लेना है मुझे कपड़े। मैंने पिछले की वीडियो में आप सभी को बताई होगी कि हमारे यहाँ शादी होने वाली है, तो उसी के लिए हम लोग कपड़े खरीद रहे हैं, और उसी के लिए हमारे यहाँ शॉपिंग होने वाली है। तो अभी चलूँगी मैं, तो आप सबको भी ले चलूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, वो सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आप सभी जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार मेरे साथ और सपोर्ट देने के लिए। और यहाँ पे देखिए हम लोग भर रहे हैं पानी, क्योंकि लाइट और अभी हो गया है, 4 बजे का टाइम है, तो पाइप इन्होंने कब से लगा के रखा था, दोपहर से ही लाइट चली गई थी उस समय, तो लाइट आ गई, तो फिर इन्होंने कहा चलो पानी भर लेते हैं फिर चलेंगे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है आजकल, गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा लाइट ख़राब होती है, और हमारे यहाँ भी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर जल्दी से बनती नहीं है इसीलिए। तो अभी हम देखिए रख चुके हैं, तेल लगा रही हूँ क्या, तेल पानी कर रही हूँ, पानी है माँ, पानी बाल नहीं लगाया अभी, माँ तू जा रही है, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए, 4 बजे का टाइम है, तो इधर बच्चे भी रेडी हैं कोचिंग जाने के लिए, और मुझे मेरे लिए, मैं कुछ नहीं लूँगी, बस इन सब के लिए ही हमें खरीदना है, कपड़े खरीदना है बाबू के लिए और इन तीनों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मेरे बच्चों के लिए कोई कपड़े वगैरह नहीं लिए थे, और मैं इसीलिए नहीं ले रही थी कि अभी शादी आ रही है, तो मम्मी के यहाँ भी शादी है, मतलब मायके में भी बड़े पापा की लड़की की भी शादी है, और यहाँ भी शादी है, तो फिर हम सब साथ में खरीदेंगे, देखते हैं अभी साथ में लेते हैं, कैसे क्या करना है, चल के वहाँ समझ में आएगा। और ये बोल रहे थे चलो शहर से ले आओ, कहीं से ले आओ, हमारे पास जैसे ही मुंडेरा पास में पड़ता है, और झलवा पे, और इधर राजरूपपुर, और ऐसे शहर में जगहों पे चलो ले आओ। मैंने कहा अभी शहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी धूप हो रही है,
और चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इन लोगों के लिए हमें कपड़े पसंद आ जाएंगे तो हम यहीं पे ले लेंगे। और मैं दे रही थी इन लोगों को पैसे, क्योंकि हम मेरे बच्चों की आदत है अगर मैं कहीं घर से बाहर निकलूँगी तो इन सबको चाहिए पैसे। और ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ मार्केट और कपड़े की दुकान पे ही डायरेक्ट आई हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े लेने थे तो कपड़े की दुकान पे ही सीधे आई हूँ। और ये भी साथ में है, तो फिर इन्होंने कहा कहाँ चलोगी, मैंने कहा जहाँ आपको ठीक लगे वही चलिए, तो फिर ये बोले चलो ये वाली दुकान पर चलते हैं। वैसे बहुत सारी यहाँ पर दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन जो इनको ठीक लगा वहीं पर कह रहे हैं चलो यहाँ पर देख लो, अगर तुमको पसंद आ जाएगा तो ठीक है। मैंने इनसे कहा था कि जाके आप ही ले जाइए, तो इनको इनका क्या है ना कि ये कपड़े कभी छोटा कभी बड़ा, मतलब एक इनको बच्चों की साइज़ नहीं पता है। और मेरा क्या है ना, मैं एक नज़र में कपड़े को देखती हूँ और तुरंत मुझे अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि मेरी ये वाली बच्ची को ये वाले कपड़े आ जाएंगी, यही वाली सैंडल आ जाएगी। जो मैं सैंडल लेके आई हूँ ना घंटा घर से चौक से, वहाँ से सैंडल लेके आई हूँ मैं, किसी का कोई नाप नहीं लेके गई थी, लेकिन सबका एकदम परफेक्ट आया है, किसी का ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल एकदम साइज से लेके आई हूँ। तो इनका क्या है ना, ये कभी लेते नहीं हैं और इनकी आदत नहीं है, ये चूज़ भी नहीं कर पाते हैं कपड़े, तो फिर कहेंगे अगर एक दो जोड़ी हो तो फिर ले आ देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको ये है कि तुम चलो साथ में ले लो ठीक रहेगा, तो पसंद कर लेना तुम, फिर बार बार ले आना ले जाना, छोटा बड़ा हो गया वापस करना, तो तुम रहोगी तो ठीक रहेगा। तो बस इसीलिए हम लोग आए हैं। और यहाँ पे मैं तीनों के लिए कपड़े देख रही हूँ, मतलब अभी मैं इन तीनों के लिए देख रही हूँ, अभी के लिए अभी मैं नहीं देख रही हूँ, मतलब बाबू के लिए अभी मैं नहीं ले रही हूँ। उसका नाम लेती हूँ तो अभी अभी बोलती, तो मुझे लगता है जैसे मैं कोई बात कर रही हूँ अभी अभी बोल रही हूँ। तो देखिए वहाँ जहाँ पर अभी हम कपड़े ले रहे थे, तो वहाँ पर तो मैंने कपड़े तीनों के लिए पसंद किए थे। क्या था कि वो दुकान वाले जो भैया थे ना, वो कहीं और चले गए थे, उनको कुछ काम था शायद, पता नहीं, उनके बच्चे बता रहे थे कि पापा अभी नहीं हैं, तो हम लोग फिर कहीं और आ गए थे। और यहाँ पे ये दुल्हन के लिए पियरी वाली जो साड़ी होती है और शादी की जो साड़ियाँ होती है वो दिखाई जा रही थी, दुकान वाले भैया दिखा रहे थे। तो बस मैं भी देख रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा और मुझे कब दिखाएंगे ये, तो मैंने मांगा। तो यहाँ पर माही मानसी और नैन्सी के लिए कोई कपड़े ही नहीं थे, छोटी बेबी के लिए कपड़े थे, तो मैंने कहा छोटे बेबी का ही कपड़ा दिखा दीजिए, तो पसंद की थी। लेकिन अभी ये वाली दुकान पे हम आ गए हैं, तो यहाँ से हम तीनों के लिए पहले कपड़े लेंगे। हाँ, इसको इसको लहंगा यही वाला दे दो बेटा, हाँ ये वाला, यहाँ फिरोजी वाला, हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ कोटी है में, कोटी है ना, अच्छा इसमें नहीं थी कोटी, वो वाले में थी ना, चलिए ठीक। तो अभी देखिए फाइनली 4 से 5 घंटे हमें हो गए यहाँ पे आए हुए, और 3-4 दुकान के चक्कर हमने मारे, फिर जाके लास्ट में यहाँ आके हमें सारे कपड़े मिले। और 3-4 दुकान के मैंने चक्कर मारे, लेकिन मैं कहीं भी कपड़े नहीं ले पाई हूँ,
अभी शादी ब्याह का भी सीजन चल रहा था, तो कहीं कहीं पे ये जैसे गांव की दुकानें हैं तो यहाँ पे काउंटर वगैरह नहीं लगे हैं कहीं कहीं दुकानों पे, तो इतनी भीड़ भरे सारे लोग ऐसे घुस के बैठे हुए हैं, कोई कपड़ा दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा था। तो ये कहीं चले गए थे तो फिर मेरे पास आए, बोले कि कपड़े तुमने पसंद किए, मैंने कहा काफ़ी टाइम बाद अब मुझे पसंद आए हैं, तो फिर ये भी पास साथ में थे, ये आए तो फिर मैंने इनको दिखाया कि देखिए मैंने ये कपड़े पसंद किए हैं, तो फिर इन्होंने कहा ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो, बस मुझे पैसे देना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, अपना जाइए हिसाब करवाइए और पैसा दीजिए, मैंने कपड़े पसंद कर लिए हैं। और फिर मैंने इन्हें भेज दिया है कि कुछ बच्चों के लिए ले लीजिए, कि जब मैं कहीं घर से निकलती हूँ तो फिर बच्चों के लिए कुछ बिना लिए चली आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आती, इन सबको चाहिए ही चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से, नहीं तो कभी मैं खाली हाथ नहीं आती हूँ। और अभी देखिए घर में आते ही सब ने ना हड़कंप मचा दिया था, सब अपनी अपनी पन्नी लेके भाग रही हैं, मम्मी मेरा कपड़ा कौन सा है, मम्मी मेरा कपड़ा कौन सा है, सब लेके भाग रही हैं अपने अपने तरफ। तो पूरे कपड़े इन लोगों ने ना पूरे तखत पे फैला दिए थे, तीनों ने फैला दिए थे तीनों ने। बाबू तो अभी छोटा है, वो देख ही नहीं पा रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। इन तीनों ने पूरे कपड़े को फैला दिया था और तीन चार जनों को अभी ये दिखा भी चुकी हैं। तो अभी मैं लेके आई हूँ और जब तक मैं हम शादी में शादी आएगी जब उतने में तो कम से कम ये 10-12 लोगों को दिखा डालेंगी। अभी ये लोग देखिए, देखिए बर्गल भी लेके आई थी, मैं इसके पापा से बोली थी कि इनके लिए कुछ ले लीजिए, तो बस इन सबको पसंद है। और बाप बेटी में अभी प्यार उमड़ रहा है, तो बाप बेटी खा रही हैं खिला रही हैं। और अभी देखिए हो गया है शाम का समय, हम हैं छत पे और यहाँ पे काट रहे हैं सब्जियाँ, छत पे हमें डालना है पानी क्योंकि हम लोग रात में छत पे ही लेटते हैं। और मुझे ना पिछले की वीडियो में कुछ लोग बोल रहे थे कि कितनी नौटंकीबाज हो, झूठा ड्रामा करती हो लाइक के लिए, अपने हस्बैंड को बता रही हो ऐसा ऐसा हो गया है तुम्हारे हस्बैंड के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। कूलर बंद कर रही थी तो अभी देखिए आ गए हैं नीचे और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। ये देखिए सब्जियाँ मैंने काट करके रख ली है और कढ़ाई में मैंने डाल रखे हैं तेल, इधर मैंने रखे हैं दूध उबलने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है दूध गया है फट, फ्रिज में मैं रखी नहीं थी, चली गई बच्चों को कपड़े लेने के लिए और दूध फट गया है। बाबू रात में कई बार उठ के पीता है तो उसके लिए मुझे अभी मंगवाना पड़ेगा। हाँ बेटा बाबू बाहर है तो इंडक्शन को मैंने बंद कर दिया है, गैस मेरा चालू है क्योंकि दूध फट गया है, तो उसके लिए मंगवाऊंगी दूध में। और आज के ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।